और चलिए अब खबर आपको जबलपुर से बताते हैं, जहां 13 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। इस मामले में किडनैपर्स और परिजनों का एक वीडियो सामने आया है, जिससे साफ समझ आ रहा है कि बच्चे के परिजन से आरोपियों ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। बच्चे की हत्या के बाद भी फिरौती मांगने का सिलसिला जारी रहा। बच्चे ने आरोपियों में से एक को पहचान लिया था और पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने बच्चे की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत भी हो गई है। हाँ भैया नमस्कार। हाँ भैया, तो हो गई भैया व्यवस्था? तो ये व्यवस्था तो हो जाएगी, पर आपने बहुत बड़ी डिमांड रख दी है, थोड़ा सा मेहरबानी कर, थोड़ा मेहरबानी करो ना। क्या अमाउंट बहुत बड़ा होता है इतना का, आप समझ सकते हो हम लोग सामान्य आदमी कहाँ से कर सकते हैं इतने, इतना कहाँ कर पाएंगे। औकात हो तो हम ही कर रहे हैं भैया, हम लोग नहीं कर पाएंगे मिलजुल के भी इतना, तो मेहरबानी करके थोड़ा रियायत करिए। व्यवस्था कितनी हो गई? अरे हमारे पास ज्यादा व्यवस्था नहीं, घोड़ा भाग करके भी 8-10 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए अभी तक हम लोग। 8-10 लाख में तो कुछ नहीं हो पाएगा, थोड़ा देखो ना भैया। देखिए आपने 2 बोला था, मिनिमम हमें 1 की व्यवस्था चाहिए। बहुत हो जाता है, 1 करोड़ बहुत होता है भैया, थोड़ा मेहरबानी करो। देखो आज आप भी परिवार वाले होंगे, आपके भी भाई बहन होंगे, हम लोग भी परिवार वाले हैं, थोड़ा दया करो। इतने भाव होता तो देने में क्या दिक्कत थी, निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं, तो कहाँ देते। दिक्कत ये है ना, इतने शॉर्ट पीरियड में हम लोग बड़े मुश्किल से इतना पैसा हमने इकट्ठा किया। आप